लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा, जिसका आज पहला अग्र दिया जाएगा। आस्था जल यमी, यानी कि डूबते हुए सूरज को अग्र दिया जाएगा आज। कल सुबह उगते हुए सूरज को अग्र दिया जाएगा। ये महान पर्व चार दिनों की होती है, जिसका आज तीसरा दिन है। मंगलवार को नहाए खाए से शुरू हुई थी और आज तीसरा दिन है। कल अहम दिन था, जिसे हम खरना कहते हैं। खरना के बाद छठ व्रती जो प्रसाद लेती है, उसके बाद 36 घंटा बिना अन्न और पानी की रहती है। नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नव युवक छठ पूजा समिति सिबू टोल में। यहां के श्रद्धालु, यहां के भक्त जन लगातार 24-24 घंटा तक मेहनत किए, और ये मेहनत 10 दिन तक किए। और आप देखिए कि दुल्हन की तरह ये घाट सजकर तैयार हो चुकी है, और आज शाम डूबते हुए सूरज को अग्र दिया जाएगा, और कल सुबह उगते हुए सूरज को अग्र के साथ ये महान पर्व को समापन किया जाएगा। आप देखिए कि पूरा छठ घाट दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर जो है छठ पूजा नवयुवक छठ पूजा समिति में माँ छठी मैया और सूर्य देव की मूर्ति भी बैठाई गई है, और 24 घंटा का सीताराम का भजन भी होगा। और आप देखिए कि ये महान छठ घाट बनकर तैयार हो चुकी है। हम आपको बता दें कि छठ पूजा समिति सदियों से यहाँ छठ पूजा करती आ रही है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम आपको डूबते हुए सूरज से लेकर उगते हुए सूरज का अग्र तक बताएंगे। आज यहाँ पर सुबह में लोग दंड देते हुए छठ घाट आए थे, और यहाँ पर सूर्य देव को प्रणाम करते हुए वो अपने अपने घर चले गए, और आज शाम डूबते हुए सूरज को अग्र दिया जाएगा।